वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का क्वेश्चन है कि सर कंपोजिशन स्कीम लेना चाहिए या रेगुलर स्कीम लेना चाहिए। तो इसका जवाब मैं आपको आज वीडियो में देने वाला हूँ। क्या होता है कि जब भी आप किसी का रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो सामने वाले कस्टमर से आप बात करते हो। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स के द्वारा जो क्वेश्चन करे गए थे उसके ऊपर ध्यान देना, और आप लोग यदि खुद टैक्स पेयर हो तो भी समझ लेना इस चीज़ को कि यदि आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है या रेगुलर स्कीम लेना है, दोनों में का पता कैसे करेंगे। तो मैंने एक ऑलरेडी दोनों का बहुत अच्छा खासा कंपैरिजन वाला वीडियो बनाया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो देख लेना, तो उससे काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम लेना है या आपको रेगुलर स्कीम लेना है। तो दोनों का कंपैरिजन मैंने उसमें बताया पीपीटी के द्वारा, बट मैं आज आपको वर्बली बताना चाहूँगा कि आपको कौन सी बातों का ध्यान में रखना है स्कीम्स को सेलेक्ट करते समय। देखो सिंपल सी बात है, एक कोई व्यक्ति है ना, मिस्टर एक्स, हम बात करेंगे मिस्टर एक्स की आज। ये जो मिस्टर एक्स है ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है। अब ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना तो चाहता है, अब इसके पास एक कंफ्यूजन आता है कि भैया ये रेगुलर स्कीम में जाए या कंपोजिशन स्कीम में जाए। तो आप लोग को शायद क्राइटेरिया मालूम हो या ना मालूम हो, मुझे तो नहीं पता, बट आपको क्राइटेरिया जो है 40 लाख का है इंडिया के अंदर, जो मैं बता रहा हूँ कि 40 लाख रुपए से ऊपर जैसे टर्नओवर होता है तो आपको क्या लेना पड़ जाता है, जीएसटी का नंबर, ठीक है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं कि 40 लाख रुपए से ऊपर टर्नओवर ना भी हो रहा तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। जब लेना पड़ेगा तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा कुल मिला के। तो आपको है ना, ये 40 लाख रुपए वाला आपको क्राइटेरिया नहीं देखना है, लेकिन जीएसटी नंबर लेना है। बट सवाल ये आता है कंपोजिशन ले या रेगुलर ले, कंपोजिशन ले या रेगुलर ले। तो सबसे पहले तो हम दोनों का अंतर समझ लेते हैं क्या होता है। तो यदि मैं बात करूं रेगुलर की, है ना, तो रेगुलर स्कीम क्या होती है और कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, तो इसको जरा बारीकी से समझने के लिए, ये क्या है ना, ये छोटे टैक्स पेयर छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए कंपोजिशन स्कीम लाई है। मतलब जिनका 1.5 करोड़ या उससे कम टर्नओवर है वो इस स्कीम को ले सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, कई सारे लोग आते हैं जिनका 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो वो कंपोजिशन स्कीम ही ले लेते हैं, लेकिन बट ऐसा नहीं है। इसके कुछ फायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो उस नुकसान और फायदों को समझने के बाद ही आपको चूज करना है कि रेगुलर स्कीम में जाए या कंपोजिशन स्कीम में जाए। इसमें कुछ कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बट मैं अभी विदाउट एनी कॉन्टेंट में आपको डायरेक्ट अंदर की आत्मा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे मेरे सामने कोई कस्टमर बैठता है ना उसी तरह से। देखो कुछ फायदे कुछ नुकसान है। रेगुलर स्कीम के अंदर आप जब जाते हो तो रेगुलर स्कीम में आपको मंथली और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है ना। अभी इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, मंथली रिटर्न क्वार्टरली रिटर्न। अब रिटर्न्स कौन कौन सी होती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। रिटर्न्स होती है आपकी GSTR1 जो भी चल रही है, और दूसरी होती है आपकी GST 3B, ठीक है, 3B रिटर्न। अब ये जो 3B रिटर्न है ना, पहले 3B रिटर्न जाती थी फिर GSTR1 जाती थी, बट अब पहले GSTR1 पहले फाइल होता है जिसमें समरी जाती है, पूरी डिटेल जाती है बिल्स की जो सेल्स के होते हैं, और इसके अंदर आप इनपुट भी क्लेम करते हो, सेल्स के फिगर डाल करके आप चालान जमा करते हो, ठीक है, इतना भी समझ लो। बट इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप क्वार्टरली ऑप्शन में चले जाते हो आप, ठीक है। कहने का मतलब क्वार्टरली वाले ऑप्शन में जाना है तो आपको कंपोजिशन स्कीम लेना पड़ेगा। बट कुछ फायदे कुछ नुकसान वाली बात करूं तो इसके अंदर क्या होता था, आपको इनपुट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, इनपुट मिल जाता है। बट इसके अंदर आपको इनपुट मिलता है क्या, इसमें आपको इनपुट नहीं मिलता है। क्या होता है सर ये इनपुट, तो मैं बता दूं कि जब कोई व्यक्ति, जैसे आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, नंबर ले लिया, आप कहीं से माल परचेस करके ला रहे हो, आपने माल तो परचेस कर लिया, अब उस माल को आप सामने बेचोगे भी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ कि 100 रुपये, यहाँ देखते हैं, 100 रुपये का आपने माल खरीदा था और उसमें आपने 10 रुपये क्या कर दिया, आपने जीएसटी का अमाउंट दे दिया, 110 रुपये आपने दिए, करेक्ट। अब 110 रुपये में आपके पास आया, आपने 10 रुपये इसमें क्या प्रॉफिट एड किया, 120 रुपये का हो गया ये, और आपने सामने वाले व्यक्ति से और 20 रुपये क्या कर लिए, जीएसटी का एड कर लिए और 140 रुपये उससे लिए। मेरी बात समझ गए आप। अब आपने सामने वाले व्यक्ति से 20 रुपये जीएसटी के लिए हैं तो आपको 20 रुपये पे करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। बट यहाँ क्या होता है कि आपने ऑलरेडी परचेस करते समय 10 रुपये ऑलरेडी पेड कर चुके हो, तो ये 10 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि आप जैसे
जिस व्यक्ति से आपने परचेस किया होगा उसके लिए वो सेल होगा, तो ऐसे ही उसने आपसे जीएसटी का पैसा कलेक्ट करके उसको गवर्नमेंट को देना है, ठीक है, तो वही वाला माइनस कर देंगे तो 10 रुपये आपको पे करने रह जाएंगे, ठीक है। तो ये रेगुलर स्कीम में होता है, ठीक है, ये कहाँ पर होता है, रेगुलर स्कीम में, मतलब इसमें इनपुट का फायदा मिलता है, और यहाँ पर आपने कितने ही परचेस किया इनपुट का फायदा नहीं मिलता, यहाँ लेकिन एक फायदा मिलता है, कौन सा फायदा वो बताता हूँ। अब रेगुलर स्कीम में क्या होगा, जो भी परचेस किया है, जो भी सेल किया है, पूरा डेटा बनेगा, दोनों का डिफरेंस निकलेगा, जो आपके पास टैक्स की लाइबिलिटी आएगी वो आपको पे करना पड़ेगा, यदि आपकी इनपुट ज़्यादा है तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसके अंदर है ना कुछ लिमिटेशन है, इसमें क्या है, आपको इनपुट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हर 3 महीने में, मान लो हर महीने का 1 लाख रुपये टर्नओवर हो रहा है, 3 महीने का 3 लाख हो रहा है, तो 3 लाख पे सीधे ट्रेडिंग है, तो 1% है ना, और 3% और 5% के क्राइटेरिया अलग अलग पे, ठीक है। ट्रेडिंग है तो 1%, फिर मैन्युफैक्चरिंग है 3%, 5% हो गया आपका रेस्टोरेंट या इन सब बिजनेस पे, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 3% हैं जो कि सीधे आपके टर्नओवर पे लग जाते हैं और आप पे कर देते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 लाख रुपये का माल बेचा 3 महीने के अंदर, मतलब अप्रैल मई जून के अंदर, तो सीधे मैं 1% उस पर क्या क्या करूंगा, टैक्स निकालूंगा, उसको डिवाइड करूंगा एक CGST IGST में और जमा कर दूंगा, खत्म बात। बट अब इसमें क्या है, ये लोग, अब आप बोलोगे कि यार ये तो बड़ा सिंपल है ना, यही ले लेते हैं। हाँ, तो ले सकते हो, इसमें क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत भी नहीं होती, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट रखना पड़ता है क्योंकि आपको पूरा डिटेल कंपेरिजन करना पड़ता है ना। तो ये 3-4 बेनिफिट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। बट क्या है कि यदि 1.5 करोड़ से तक का टर्नओवर यदि आपका है तो ये आप ले पाओगे, उससे ऊपर है तो नहीं ले पाओगे। बट मैं आपको बता दूं कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होता है, तो उसको बेस्ट को समझने के लिए कुछ आपको क्राइटेरिया समझना पड़ेगा, ताकि आप सिंपली आप मेरे इस वीडियो के बाद कंपेयर कर सकते हो कुल मिलाकर के। तो आपको ये देखना है कि जो मिस्टर एक्स था, ये जो मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये व्यक्ति जो है B2B ज्यादा सेल करता है, या मतलब इसके जो कस्टमर है, कस्टमर का मतलब क्या होता है, कष्ट से मर, ठीक है, ये मेरी लैंग्वेज है। बट B2B कस्टमर क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब ऐसा व्यक्ति है कि इसके पास भी GST है और इसके पास भी GST है, तब तो आपको रेगुलर में लेना बनता है। बट जिसके B2C कस्टमर हैं, B2C, तो B2C कस्टमर है, तो आप तो सीधे जाओ कंपोजिशन स्कीम ले लो और 1% 3% या 5% जो भी कैटेगरी में आते हो पे कर दो, खत्म कहानी। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना आपसे माल खरीद लेगा, क्योंकि ये जो है ना इसका GST है नहीं। बट आपके पास कस्टमर ऐसे हैं कि B2B वाले हैं, वो आपसे माल नहीं खरीदेगा क्योंकि उसको इनपुट ही नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज हमेशा देखनी है। अब एक और सवाल आता है जो अधिकतर लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर B2B कस्टमर भी है, B2C कस्टमर भी है, तो ये आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कितने परसेंट B2B कस्टमर है, कितने परसेंट B2C कस्टमर है। जैसे किराने की बात करूं मैं, अब किराने पे 99% जो कस्टमर होते हैं वो B2C होते हैं, तो क्या इसको रेगुलर स्कीम लेना चाहिए? कायदे से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये डिसीजन आपका है, ठीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति है जिसका 90+% जो है ना कस्टमर B2B है, बाकी B2C है, तो उसको रेगुलर में जाना चाहिए, कंपोजिशन में नहीं जाना चाहिए। तो ये तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। देखो आपका बिजनेस है ना, आपसे अच्छा कोई जान नहीं सकता, तो आपको पहचानना पड़ेगा आपके B2B कस्टमर ज्यादा है या B2C कस्टमर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यदि आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली और B2B कस्टमर है, तो ये व्यक्ति आपसे माल नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर भी आ जाएगा, और आप ना इनसे, आप तो क्या कहते हैं, फिर इनको जो परचेस कर रहा है ना ये व्यक्ति, तो इसी को आपको इसको टैक्स देना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को, तो ये व्यक्ति आपसे माल खरीदेगा ही नहीं। तो ये डिफरेंस है जिसके तहत आप पता कर सकते हो, जान सकते हो अपने कस्टमर्स को, और डिसीजन ले सकते हो कि कंपोजिशन स्कीम लेना चाहिए या रेगुलर स्कीम लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे इस शॉर्ट वीडियो में काफ़ी कुछ हेल्प हुई होगी कि रेगुलर में जाएं, कंपोजिशन में जाएं, रेगुलर में जाएं या कंपोजिशन में जाएं, ठीक है। तो ये वीडियो को आप दोबारा से घुमा के देख लेना, और मैं एक वीडियो में लिंक और दे दूंगा एक और वीडियो का, जिसमें मैंने दोनों का बड़ा कंपेरिजन पूरा बताया PPT के ऊपर, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। और यदि आप सीखना चाहते हो हमसे GST, इनकम टैक्स, टैली, अकाउंटिंग, तो हमारा मोबाइल ऐप है, उसकी लिंक नीचे दी गई है, उसको इंस्टॉल करो और उसमें जा करके देखो, डेमो जा करके देखो कि मैं क्या क्या किस तरह से सिखा रहा हूँ। यदि पसंद आता है तो बाय करो, वरना ये जो मैं लर्निंग दे रहा हूँ उसका फ़ायदा लेते चलो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।